हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी फुल बॉडी वाइटनिंग रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपनी पूरी बॉडी को वाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, आपकी पूरी बॉडी में डार्कनेस हो गई है, टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। इससे आपकी पूरी बॉडी की टैनिंग दूर होगी, साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में डार्कनेस हो गई है तो वो भी दूर हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। इस रेमेडी में मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। आपकी स्किन पर कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि आपकी पूरी बॉडी वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग हो जाएगी और स्पॉटलेस हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस DIY रेमेडी को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक क्लीन बोल लेना है जिसमें आपको कोई भी एक पैकेट शैम्पू ऐड करना है। आप जो भी शैम्पू बाल धोने के लिए यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सनसिल्क का एक पैकेट लिया है। अगर आपके पास क्लिनिक प्लस है तो आप वो भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें एक पैकेट ले लीजिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून क्रश्ड शुगर। जो घर में हमारे चीनी होती है उसको आपको थोड़ा सा पीस लेना है, क्रश कर लेना है और उसके बाद आपको इसमें 1 चम्मच क्रश्ड शुगर ऐड करनी है। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपको बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग पाउडर बहुत ही अच्छा है, आपकी स्किन की टैनिंग को, डार्कनेस को दूर करेगा। उसके बाद मैं इसमें 1/2 लेमन जूस ऐड करूँगी। लेमन जूस में स्किन वाइटनिंग एजेंट होता है जिससे स्किन वाइट एंड ब्राइटन होती है और ग्लोइंग होती है। तो आप इसमें 1/2 नींबू का रस ऐड कर लीजिए और इसको आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे तो ये एकदम झाग जैसा बन जाएगा। अब ये जो हमारा पेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा झाग जैसा बन जाएगा और ये पेस्ट बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए, आपकी पूरी बॉडी को ग्लोइंग बनाने के लिए, वाइट एंड ब्राइटन बनाने के लिए। तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमारा DIY पैक एकदम रेडी हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए, जो आपके बॉडी पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो अब हमारी DIY फुल बॉडी वाइटनिंग ब्राइटनिंग टैनिंग रिमूवर रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इस रेमेडी को यूज़ किस तरीके से करना है। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपकी बॉडी में डार्कनेस हो गई है, टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है, आप इस रेमेडी को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अपने नेक पर, अपने हैंड्स पर, अपने फीट पर, जहाँ पर भी आपको लगता है कि टैनिंग की दिक्कत है, डार्कनेस हो गई है, वहाँ पर आप इस रेमेडी को अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने फिंगर्स की हेल्प से अपने हैंड्स पर अप्लाई करें और आपको इसे मसाज करते हुए अप्लाई करना है। कम से कम 2 मिनट तक आपको मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी में जो डार्कनेस है वो धीरे धीरे निकल जाएगी, साथ ही साथ टैनिंग की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। मैंने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है आपकी पूरी बॉडी को वाइट एंड ब्राइटन बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको अपने हाथों पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपकी बॉडी में डार्कनेस है आप इस रेमेडी को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, जब आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो आपकी बॉडी की टैनिंग दूर हो जाएगी, डार्कनेस दूर हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको इसको अप्लाई करने के बाद मसाज करते हुए कम से कम 2 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको इसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना फेस, और आप उसको अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके फेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो नॉर्मल वाटर जहाँ पर भी आपने इस रेमेडी को अप्लाई किया है आप नॉर्मल वाटर से अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो मैंने इस रेमेडी को अप्लाई कर लिया और मैंने यहाँ पर अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके पहले यूज से मेरे जो हैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी भी नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील कर रहे हैं और इसमें टैनिंग भी है, जो डार्कनेस है वो भी रिमूव हो जाएगी। अगर आपको इस रेमेडी के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे वीक में 3 से 4 बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे आपकी धीरे धीरे बॉडी की टैनिंग दूर हो जाएगी, डार्कनेस दूर हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो आप इस DIY रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें
और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।